रात ने खेली होली, भगवा पगड़ी पहन रथ से बरसाए फूल। सपा विधायक इरफान समेत 5 पर आरोप तय, महिला का घर फूंकने के मामले में तय हुए आरोप। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र न होने पर अब लगेगा 10,000 जुर्माना, नोटिस हुआ जारी। बच्चे को गर्भ में ही सुनाई जाएगी गीता रामायण, आरएसएस से जुड़े संगठन ने शुरू किया गर्भ संस्कार अभियान। मनीषी सोदिया को 20 मार्च तक जेल, शराब नीति केस में सीबीआई ने कस्टडी नहीं मांगी, कहा 15 दिन के बाद जरूरत पड़ सकती है। और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। कानपुर में पुलिस सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ एक और चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस ने 2021 में मोहम्मद शरीफ नाम के युवक को पकड़ा था, उस वक्त उसकी पैरवी के लिए सपा विधायक थाने पहुंचे थे, जिसको लेकर पुलिस का दावा है कि सपा विधायक ने आरोपित को छुड़वाने का प्रयास किया। दरोगा के मना करने पर सपा विधायक ने अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया था, जिसके बाद अब इस मामले में विवेचना पूरी कर चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। एक मामला दर्ज हुआ था जिसमें पुलिस के कर्मियों के साथ इरफान सोलंकी का उलझते हुए आपस में जो है झगड़ा करते हुए और ऐसे शब्द बोलते हुए जो कि नहीं बोले जाने चाहिए, और एक तरह से हम कहें तो कार्य में बाधा डालते हुए, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन करते हुए और एक अभियुक्त को छुड़ाने का प्रयास करते हुए एक वीडियो जो है वायरल हुआ था। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनिल जुड़ेंगे। अनिल, देखा जाए तो सपा विधायक इरफान सोलंकी की लगातार मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं और एक और चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। जी नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि ये कानपुर का मामला है और कानपुर में 23 अगस्त 2021 को ग्वाल टोली में इरफान सोलंकी की एक पुलिस वाले से बहस हुई थी और ये बहस काफी बड़ी हो गई थी। हालांकि पुलिस ने उसमें तुरंत मुकदमा दर्ज कर लिया था और मुकदमा दर्ज करने के बाद इरफान सोलंकी के ऊपर कार्रवाई की गई थी, लेकिन उसकी अभी उस पर विवेचना चल रही थी। विवेचना में अभी पुलिस ने कल ही इसमें चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट दाखिल करने के बाद इरफान सोलंकी पे बड़ा खतरा बढ़ रहा है। इसके अलावा बता दूं कि जिस हिसाब से इरफान सोलंकी की मुसीबतें लगातार बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं मुकदमों की संख्या एक और बढ़ गई है और चार्जशीट जो है दाखिल कर दी गई है। तो कुल मिला के देखा जाए तो कानपुर पुलिस पूरी तरीके से इरफान सोलंकी के लिए पूरे फील्ड तैयार कर चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि इरफान सोलंकी कब तक इन मुकदमों से बाहर निकल पाएंगे। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिल। प्रयागराज में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का सपा नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख की अगुवाई में सैकड़ों की संख्या में सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे भी लगाए। वहीं रामायण पर की गई टिप्पणी वाली बात पूछे जाने पर सपा नेता ने कहा कि उन्होंने रामायण पर नहीं बल्कि रामायण की कुछ चौपाई पर टिप्पणी की है। सभी जो डॉक्टर राममनोहर लोहिया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों में आस्था रखते हैं, उन सबको समुचित भागीदारी देने के लिए हमारी पार्टी कटिबद्ध है। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर आज पुनः एनकाउंटर किया गया, उसके बारे में कानून व्यवस्था। भाजपा सरकार कानून के मुद्दे पर पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। आज सरकार की हनक गायब है, इसलिए अभी बजट के दौरान जिसमें विधानमंडल का सत्र चल रहा था, मात्र 4 दिन के अंदर पूरे प्रदेश में सैकड़ों हत्याएं और जघन्य आपराधिक घटनाएं घटी थी।
कानपुर के बासमंडी क्षेत्र के क्रॉसफिट जिम में फिटनेस चैलेंज कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें जिम के 22 सदस्यों ने भाग लेकर अपने हुनर का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में कुछ हुनरबाजों ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर जीत हासिल की, तो वहीं जिम के ओनर ने बताया कि जिम में इस फिटनेस चैलेंज कॉम्पिटिशन में वरिष्ठ सपा नेता और समाज सेवी हाजी जिया मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और विजेताओं को ट्रॉफी दी गई। वहीं जिम के ओनर ने सभी के स्वस्थ रहने एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना की। सहारनपुर में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन और न्यूज परिक्रमा के संयुक्त तत्वाधान में किए जश्न होली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष और एनवीपीटी न्यूज के मुख्य संपादक के संयोजन में आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में पत्रकार और सभी दलों के राजनैतिक और सामाजिक गणमान्य लोग उपस्थित हुए। इस दौरान लोगों ने फूलों की होली खेलते हुए एक दूसरे पर पुष्प वर्षा की और होली महोत्सव का भरपूर आनंद लिया। और एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा का एक संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम हुआ था और उसमें बहुत सारे जिले भर के पत्रकारों ने शिरकत की थी। होली मिलन का कार्यक्रम था और उसमें मुजफ्फरनगर और शामली तक से पत्रकार साथियों ने यहां पर शिरकत की है। हम सभी पत्रकार साथियों को, आवाम को, देश को बड़ी शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि होली का त्यौहार बहुत मंगल में हो। कानपुर में हिंसा मामले में आरोपियों की संपत्ति कुर्क होगी। बवाल के बाद पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं एसआईटी की जांच में सामने आया था कि आरोपियों ने सौदा किया था। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 3 जून की घटना के बाद 42, 43, 44 तीन मुकदमे बेकनगंज थाने में दर्ज हुए थे। साथ ही नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत 5 लोगों पर कार्रवाई हुई थी और गैंगस्टर एक्ट के तहत भी 4 लोगों पर कार्रवाई हुई थी। तो गैंगस्टर एक्ट की विवेचना प्रचलन में है और उसका जो अब चूँकि गैंगस्टर रूल में भी चेंजेज आए हैं तो अब 14(1) की कार्यवाही का इस संदर्भ में किया जाना अपेक्षित है। हरदोई में दो पक्षों में विवाद का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पारिवारिक विवाद के चलते बाजार में खरीदारी करने आई देवरानी जेठानी के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसके बाद देवरानी ने अपनी जेठानी और उसके भाई के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया। दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जाँच की जा रही है। जो वीडियो वायरल हुआ है इसमें सुनील पाठक हैं जो थाने पे चौकीदार हैं और जो दूसरा पक्ष है जो महिलाएं हैं वो सुनील पाठक की बहन तुलसा की देवरानी और देवरानी की बहन है। यानी ये पारिवारिक विवाद है जिसमें पहले से दहेज उत्पीड़न का भी मुकदमा चल रहा था और तुलसा मिश्रा अपने पति के साथ पहले नहीं रह रही थी, अब रहना चाहती हैं। इसी बात को लेकर इनके घर वालों को आपत्ति है, इससे की जांच की जा रही है और प्रार्थना पत्र लेके इसमें आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। हरदोई में एसपी ने शहर में होलिका दहन स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने कई जगहों पर होलिका के दहन स्थल की जगह भी परिवर्तित कराई। साथ ही जिन होलिका स्थल के ऊपर से बिजली के तार निकलने थे और जहां से आग फैलने का डर था उन स्थानों में बदलाव के निर्देश दिए गए। फिलहाल एसपी ने QRT टीम से लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली और आगामी त्यौहार को सकुशल निपटाने के लिए अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी गई है। का वैसे भी भ्रमण कर लिया गया है लेकिन यह देखा गया है कि समय के साथ लोग उसमें और लकड़ियाँ बढ़ाते आते हैं, उसकी हाइट बढ़ती आती है, जिससे कि पुनः जो पहले निरीक्षण हुआ है उसके उससे अधिक आग के फैलने की आशंका रहती है होलिका से। इसी के दृष्टिगत में निर्देशित किया गया है और स्वयं भी देखा जा रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई होलिकाएँ जो है वो ज़्यादा बड़ी हो गई हों या उनकी चौड़ाई ज़्यादा हो गई हो। साथ ही साथ ये भी संभावना है कि कुछ लोग आज ही होलिका दहन करें, इस संबंध में भी सभी को बताया गया है, सभी पूछताछ करके उसी हिसाब से ड्यूटियाँ लगेंगी। औरैया में
होली एवं शबे बारात पर पुलिस अलर्ट हो गई है। डीएम के आदेश के बाद खाद औषधि टीम ने छापेमारी की। छापेमारी में खोए की दुकानों पर सैंपल लिया गया। इसके अलावा सरसों का तेल और देसी घी का भी सैंपल लिया गया। वहीं लोगों से अपील की गई कि मिलावटी सामान न बेचें, जिससे किसी को भी हानि हो। अगर कोई भी व्यक्ति मिलावटी करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें खोए का, घी का और तेल का नमूना लिया गया है। तीन प्रतिष्ठानों पर खोए का हुआ, एक पर घी का, एक पर तेल। आपके अलावा और टीम कौन सी रही मौजूद? टीम में नायब तहसीलदार थे और हमारे साथियों में जो है एसएसओ दिनेश चंद जी हैं, माता शंकर बिंद हैं और सुनील कुमार हैं। आगामी त्योहारों को लेकर क्या आप लोगों से अपील करना चाहेंगे? लोगों से अपील यही है कि भाई खरीदते समय जरूर सावधानी रखें, और हम लोग खरीदने वालों से ज़्यादा बेचने वालों से अपील करते हैं कि कभी भी कोई ऐसी चीज़ जो आपके आत्मा के हिसाब से ठीक ना हो उसको पब्लिक को प्रस्तुत ना करें। संभल नगर पालिका परिषद के प्रांगण में चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में अधिवक्तागण और समाजसेवी ने धरना स्थल पर पहुंचे और अपना समर्थन देते हुए कहा कि सभासदों की जायज मांगों को माना जाए और होली एवं शबे बारात को देखते हुए उनकी समस्याओं का निदान कर उचित कार्यवाही की जाए। इस दौरान समाजसेवी ने कहा कि अगर इन सभासदों को इंसाफ नहीं मिला तो एक बार फिर अपने समर्थकों के साथ पानी की टंकी पर चढ़ जाऊंगी। क्या प्रक्रिया? हम इनके साथ हैं, हम इनका समर्थन करते हैं। हम लगातार अभी दो चार दिन चला, जब ये देख रहे हैं कि मीडिया में इन लोगों का प्रोग्राम धरने का चल रहा है, हमें तो आप लोगों को उससे भी ये कह रहा है कि अधिकारियों से जाके इनके बारे में बात करिए। जनता के हित के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, अधिकारियों से कहें जाके वहाँ कि वो इनकी बात को सुने, और अगर इनकी बात सही है तो उस पर अमल करें। जनता के लिए बैठे हैं भाई ये लोग, भ्रष्टाचार के खिलाफ बैठे हैं, कोई भ्रष्टाचार करने के लिए तो बैठे नहीं, तो इसलिए उन आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, आप चौथा स्तंभ हैं इसका, कि अधिकारियों से कहें कि भाई ये लोग धरने पर बैठे हैं, त्यौहार आ रहा है। पौधों का ये कहना है कि हम भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें कई संगठन भी शामिल हुए हैं, आज आप लोग भी आएँ। देखिए सभी अधिवक्ता गण जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जब भी जो भी यहाँ वर्तमान में सभासद हैं, सभी की सपोर्ट में बैठे हुए हैं। देखिए आग जब भी लगती है, कोई चिंगारी हो, और यदि चिंगारी नहीं होगी तो आग नहीं लगेगी। यहाँ प्रशासन को, ईओ साहब को ये देखना है कि यदि सभासद चार दिन से पाँच दिन से बैठे हैं या कोई प्रकरण निकल के आया है तो वो क्यों निकल के आया है, हम उसका समाधान करें। सभासद पाँच दिन से धरना पर बैठे और उनकी मांग ये है, जो कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त है और उसकी जो जांचें हुई और जो बोर्ड ने पास किया उसमें वो दोषी करार दिया गया, उसके बाद भी आला अधिकारी उसको सस्पेंड क्यों नहीं कर पा रहा है, क्यों कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। सभासदों की बात, सम्मानित सभासदों की बात सुने और उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें। हम कानूनी रूप से इनकी सहायता करने के लिए, इनके समर्थन के लिए आज नगर पालिका में इनके साथ आए। आज के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।